जब जब सत्ता आवारा हुआ है तो जनता सड़क पे आई है, भले ही उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी कुछ भी हो, स्टैंड कोई हो, लेकिन उनका स्टैंड है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें और वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने। कई लोगों ने नए नए कुर्ते भी सिलवा लिए थे मुख्यमंत्री के दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर उनके मंसूबा पर पानी फिर गया। आपको पहले से मैंने बताया कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को एजेंडा सेट नहीं करने देते। आप जितना भी शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, आप भ्रष्टाचार की बात कर लें, आप अपराध की बात कर लें, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर लें, दलितों पर के संहार की बात कर लें, हत्या की बात कर लें, इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सीधे तौर पर एक ही बात कहती है कि न किसी को फंसाते हैं और न किसी को हम बचाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके कार्यक्रम जो आपके दिल के बहुत करीब है, रातों रात में। आप अपने नित्य क्रिया से निर्वित हो गए होंगे और इंतज़ार होगा आपको कि आज कौन सा विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ हो, आपसे सरोकार रखता हो और इस बिहार को अलग एक पहचान दिलाने वाला हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा हॉटलिस्ट में है, चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस पर आप भी कहीं ना कहीं न चाहते कि भी आपको उस पर चर्चा करना ही होता होगा और आपके सामने से वो मुद्दा एक बार जरूर गुजरता होगा। एक बार क्या, दिन भर में कई बार गुजरता होगा जब आप अपने नित्य कामों से जुड़े होंगे, वहाँ भी चर्चाएँ होती होंगी, चाय पान की दुकान पर आप खड़े होते होंगे, वहाँ भी होगी, हालाँकि सोशल डिस्टेंसिंग का समय चल रहा है, ऑफिस कार्यालय में जाते होंगे, अपने संस्थान पर जब जाते होंगे वहाँ भी चर्चाएं होती होंगी कि आने वाला 2020 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, उसकी तैयारियां कैसे हो रही हैं। प्रधानमंत्री खुद अब इस चुनाव के रणभेरी को, बिगुल को फूंक चुके हैं। बिहार में भी अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। इस बीच में एक व्यक्ति जो चुनावी रणनीति और चीज़ों को अपने हिसाब से बदलने का मादा रखता है, उसे आप लालू प्रसाद कहते हैं। हालांकि लालू प्रसाद अकेले अब नहीं रह गए हैं, अब लालू प्रसाद के जो वर्ग के जितने भी विद्यार्थी थे, लालू प्रसाद और उनके जितने भी सहपाठी थे, वो सब कहीं ना कहीं वो दाव पेंच अब जान गए हैं कि कैसे सत्ता हासिल की जाती है, कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाता है और कुर्सी तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी युक्ति लगानी पड़ती है। ऐसे ही एक योद्धा हैं, उसी दल के, उसी कुनबे के सदस्य हैं सुशील मोदी। आप भली भांति जानते हैं 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के सबसे करीबी में गिने जाते हैं और जब नीतीश कुमार को ज़रूरत महसूस होती है तो नीतीश कुमार के साथ वो नज़र आते हैं, भले ही उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी कुछ भी हो, स्टैंड कोई हो, लेकिन उनका स्टैंड है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें और वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय तक जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, बिहार की जनता ने एनडीए को या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि ये सिलसिला 2013 में शुरू हो गया था, 2013 में सबसे पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये जी महसूसने वाली बात थी सुशील मोदी के लिए। सुशील मोदी तब भी नहीं चाहते थे कि ये जो फैसला है नीतीश कुमार का वो रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा दें या जो भी कर दें, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे बिहार में जो उप मुख्यमंत्री की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस समय बहुत सारे ऐसे नेता थे, खास करके राजनाथ सिंह की बात करें, आप अमित शाह की बात कर लें, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, और भी बहुत सारे नेता थे बिहार में, भी बहुत सारे नेता थे, आप अश्विनी चौबे की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, ये सारे नेता, मंगल पांडे भी उस समय थे, ये सब चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है नीतीश कुमार की तरफ वो वापस नहीं हो। लेकिन इन सब को लेकर के सुशील मोदी बहुत दुखी थे। 2015 में परिणाम आया और परिणाम आने के बाद सुशील मोदी जो ये सोच रहे थे कि उन्हें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, और खेल गड़बड़ा गया। कई लोगों ने नए नए कुर्ते भी सिलवा लिए थे मुख्यमंत्री के दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर उनके मंसूबा पर पानी फिर गया जब महागठबंधन यानी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दी। तब से ही पूरी प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध तरीके से
सुशील मोदी तैयारी करना शुरू कर चुके थे, उनकी तैयारी देखने को आपको मिली जब दो साल के अंदर ही उन्होंने महागठबंधन को सत्ता से बेदखल करके फिर से एनडीए के खेमे में, या कहा जाए तो उस समय के वर्तमान के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह, उनके झोली में बिहार पुनः ला करके दे दिया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें पुनः प्राप्त हो गई मात्र चार साल साढ़े चार साल के बीच में, 2013 से लेकर के 2017 के बीच का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में उन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली और एक लंबी फहरिस्त खड़ा कर दी लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर के। हालांकि इस भ्रष्टाचार को लेकर के अब तक फैसले कम आए हैं, चारा घोटाला के बाद ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया जिसमें लालू प्रसाद के परिवार को सजा हो। हालांकि जाँच चल रहे हैं और कई मुद्दे कई मामले न्यायालय में हैं, इसलिए उस पर चर्चा करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से 2020 के चुनाव में चाहे जितना भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, नीतीश कुमार कर रहे हो, लेकिन इन सब तैयारियों में सबसे मजबूत अगर कोई तैयारी कर रहा है जो सत्ता के करीब तक ला सकता है, जिसकी चर्चाएं भीतरखाने में अब बिहार और बिहार के राजनीति को जानने वाले पत्रकार से लेकर जानकार तक सभी करने लगे हैं, उसने साफ तौर पर सुशील मोदी वाला एंगल कहीं ना कहीं जरूर लोगों को चिंतित कर रहा है या फिर चर्चा में है। और यही चिंता कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी है। सुशील मोदी एक बार फिर से पूरे लॉ में आ गए हैं। चुनाव का जो एजेंडा है वो कौन तय करेगा, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कांग्रेस भी रही हो सत्ता में तो वो एजेंडा तय करती थी, उसके एजेंडे पर चुनाव होते थे। विपक्ष बहुत सारे एजेंडा तय करता था, विपक्ष जो भी प्रश्न करता था उसका जवाब देना और ना देना सत्ता के बस में था। जनता जब पूरी तरह से ऊब चुकी थी तो आपने देखा होगा कि 70 के दशक में क्या कुछ हुआ। 70 के दशक से लेकर के 80 के दशक तक देश का संविधान और देश के संविधान को अपने हवाले रखते हुए उसका आदर करते हुए किस तरह से विपक्ष ने इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। ये एक दौर था जिसमें जनता ने आंदोलन को बल दिया था, संबल दिया था। बिल्कुल ऐसा ही लगातार होता रहा है। जब जब सत्ता आवारा हुआ है तो जनता सड़क पे आई है। ये पहले से भी हमारे देश के राजनीतिज्ञ कहते आए हैं, जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो कहते आए हैं। एक बार फिर से सुशील मोदी की तैयारियां पूरी तरह से हो गई और एजेंडा विपक्ष चाहे जो भी तय कर ले, उस एजेंडा पर सुशील मोदी का एजेंडा और खास करके नीतीश कुमार का जो एजेंडा है वो भारी पड़ने वाला है। सुशील मोदी सभी एजेंडा को दरकिनार करते हुए सीधे लालू प्रसाद और 2005 से 2020 के बीच की नहीं बल्कि 1995 से 2005 के बीच की चर्चा को मेन फ्रेम में रखना चाहते हैं। आपको पता है कि क्यों रखना चाहते हैं? जब 2005 में आप सबने मतदान किया था तो लालू के खिलाफ किया था, लालू और राबड़ी की सरकार के खिलाफ आपने मतदान किया था और उसे सत्ता से बेदखल कर दिया था। 15 साल से लगातार सत्ता पर काबिज लालू और राबड़ी का वहीं अंत हो गया था। नीतीश कुमार को कुर्सी मिली थी और कुर्सी मिलने के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी, जिस पर नींव जो डाली गई थी, फाउंडेशन जो हुआ था, उस फाउंडेशन पर लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार, जंगल राज, अपहरण, लूट, दबंगई, गुंडई, यही सब बातें दिखाई गई थी। जंगल राज कहा गया था, अपहरण के पुरोधा के रूप में कहा गया था और इसके साथ साथ व्यवसायियों को प्रताड़ित करने वाला कहा गया था, यहाँ से पलायन के लिए कहा गया था, बहुत सारी बातें कही गई थी। और इन बातों को अब भी 15 साल बीत जाने के बाद जिंदा रखना चाहते हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी और एक वर्ग है जो नीतीश कुमार के देख रेख में लालू परिवार और लालू प्रसाद पर हमले कर रहा है। आपको याद होगा भीतरखाने से खबर आई थी, भारत लाइव ने उस खबर को दिखाया भी था, कई मीडिया चैनल्स ने आपको दिखाया था कि जब अपने कोर कमेटी की बैठक कर रहे थे नीतीश कुमार तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास 15 साल बनाम 15 साल। ये बातें कोरोना संकट से पहले भी आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा बैनर और होर्डिंग लगा हुआ था जदयू कार्यालय के बाहर, जिसमें 15 साल बनाम 15 साल था, एक तरफ गिद्ध और एक तरफ कबूतर दिखाया गया था, भय बनाम भ्रष्टाचार, माफ कीजिएगा, भय बनाम भरोसा का बात कहा गया था।
भरोसा के तरफ नीतीश कुमार थे और भय के तरफ दिखाया गया था लालू प्रसाद और उनके परिवार को, उनके शासनकाल की कई तस्वीरें उसमें बैकग्राउंड में आपको नजर आई होंगी। हमने भी इस खबर को चलाया था, दिखाया भी था, लेकिन ये बैनर अब हट गया है। जब जब प्रश्न तेजस्वी यादव विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल नीतीश कुमार से पूछते हैं कि 15 साल में आपने क्या किया, तो वो पिछले 15 साल जो लालू प्रसाद का था उसकी याद दिलाना शुरू करते हैं और उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं। आपको पहले से मैंने बताया कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को एजेंडा सेट नहीं करने देते। आप जितना भी शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, आप भ्रष्टाचार की बात कर लें, आप अपराध की बात कर लें, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर लें, दलितों पर के संहार की बात कर लें, हत्या की बात कर लें, इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सीधे तौर पर एक ही बात कहती है कि न किसी को फंसाते हैं और न किसी को हम बचाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, कानून तब भी काम कर रहा था, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और इस कानून को ही आपको याद होगा कि कई बार न्यायालय ने कई चीजों को अपनी तरफ से व्याख्या किया है, चाहे शासन किसी का रहा हो, लेकिन तोता शब्द का प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए जब किया गया था तो उस समय भी ये बातें प्रासंगिक थी और सभी ने इसको स्वीकार किया था। आज भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सदुपयोग या दुरुपयोग जो कुछ भी होता है वो आपसे छुपा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक अलग संकट से गुजर रहा है और इस संकट से उबारने की जिम्मेवारी राजनीतिक दलों को है। आप बड़ी भरोसा से एक सरकार चुनते हैं और उस सरकार को मत दे करके अपना मुस्तकबिल उसके सामने रखते हैं। क्या होता है यह आपको नजर आया होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आया है बिहार। 2015 में याद आया था, 125 करोड़ का पैकेज दिए थे और 2020 में उसी पैकेज की पुनरावृत्ति करने के लिए, उसे बताने के लिए कि वो पैकेज हम दे चुके हैं, क्या उससे विकास हुआ है, नीतीश कुमार बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, केंद्र को चाहिए कि हमारे लिए विशेष राज्य, विशेष पैकेज दे। अब विशेष राज्य का दर्जा बहुत पुरानी बात हो गई है और इस पुरानी बात को नीतीश कुमार भी दोहराना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं पर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं भजाने और भुनाने का कोई अवसर देना नहीं चाहता है सत्ता में बैठा हुआ दल। खास करके अगर बात करें सुशील मोदी की, तो सुशील मोदी लगातार कई बातें कह रहे हैं। कुछ बातों का हमारे पास आंकड़ा है कि अपने शासन काल में क्यों नहीं आरक्षण दिया गया, क्यों सुशील मोदी का कहना है कि क्यों लालू प्रसाद ने पंचायती चुनाव नहीं होने दिया, जमीनी स्तर से लोकतंत्र को क्यों मार के रखा, ध्वस्त करके रखा, 23 साल तक पंचायत और वार्ड के चुनाव क्यों नहीं हुए, इसका जवाब उनके पास क्या है। वो अपने लोगों से जमीनी स्तर से दबंगई, गुंडई और अराजकता करवाते थे। कितनी सच्चाई है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों की तुलना जरूर करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2005 में जब हमारी सरकार आई तो हमने आरक्षण दिया। उन्होंने आंकड़ा जुड़वाया है कि अति पिछड़ा को 20% दिया, दलितों को 17% दिया, महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया। इसके साथ साथ हमने चुनाव करवाए, कई तरह के हमने रास्ते बनाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भैंस पर चढ़ करके चरवाहा विद्यालय में बच्चे जाते थे, आज वो बच्चे और बच्चियाँ साइकिल पर स्कूल जाते हैं। ये हमारी विशेषता है, हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमें वो दिन दिखाना जरूरी हो जाता है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में 15 साल जो बिहार रहा उसी का दंश आज भी हम झेल रहे हैं। अभी 5 साल और लगेगा इसको सुधारने में। आप समझ सकते हैं कि ये 5 साल क्यों मांगा जा रहा है, पिछले 15 साल में क्या कुछ हुआ, इसका आंकड़ा कब देंगे नीतीश कुमार ये बाद में पता चलेगा। पर 60 महीना आंकड़ा देने की बात करके 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, जब 2019 में आए तो उनके सामने उस 60 महीने का भले हिसाब किताब नहीं हो, एक हिसाब किताब जरूर था कि इस देश पर संकट है और देश को बचाने का मादा अगर कोई रखता है तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि पाकिस्तान को नेस्तनाबूत करने का, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का मादा सिर्फ इन दोनों में है। खैर, ये भी आपने देखा 2019 में आपने वोट भी दिया और एक बड़े बहुमत से केंद्र में सरकार बनी। फिर आपके हाथ में एक बार वो स्याही का दवात आएगा, ईवीएम का बटन आएगा और आपको सामने जाकर के
चुनना होगा अपने लिए आने वाले 5 साल का सरकार और मुख्यमंत्री। चुना तो आपने 2015 में भी था, उसका परिणाम आपके सामने है। आपने चुना था महागठबंधन को, सत्ता में बैठी हुई एनडीए। ये लोकतंत्र का और हमारे संविधान का खूबसूरती ही है कि आप वोट किसी को देते हैं और सत्ता किसी और के हाथ में चली जाती है। राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से चीज़ों को परोसना, समझना और बनाना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं। सुशील मोदी का ये हमला लालू प्रसाद और उनके परिवार पर कितना भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। पर एक बार फिर से 2015 से 2017 तक जो प्रक्रिया सुशील मोदी ने अपनाया था, आज फिर से एक बार उस प्रक्रिया के तरफ वो घूम चुके हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम कुछ ना कुछ तो निकाल के लाएंगे ही। कितना इसके लिए तैयार है आरजेडी और लालू परिवार, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सुशील मोदी से सजग रहने और कहीं ना कहीं उनको कम कर आंकने का अगर कोई सोचता है तो ये शायद उसके लिए बड़ी भूल हो सकती है। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में बड़ी ही प्रासंगिक विषय हो गए हैं। लालू प्रसाद भी बार बार उन्हें ये कहते थे कि वो मेरा सबसे करीबी सलाहिया हुआ करते थे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला तो यहाँ लगातार जारी ही रहता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।